नमस्कार, जीएस गैलेक्सी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत की श्रृंखला को, और उसमें हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन इन एंशियंट इंडिया। विदेशियों का आक्रमण कोई नई बात नहीं है, अंग्रेजों ने ही हमारे ऊपर शासन स्थापित नहीं किया था। ये कह सकते हैं कि फेनोमेना एक एंशियंट एज से चल रहा है। यहाँ पे बेसिकली हम दो लोगों को कवर करेंगे और आगे आ करके चार लोग और आते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में सबसे पहले किसका अटैक हुआ था, किस विदेशी शक्ति का। तो यूजुअली आप लोग करते क्या हैं, सिकंदर के बारे में या यूनान के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ था, ईरानी आक्रमण हुआ था। और उसके बाद फिर कौन सा अटैक होगा, यूनानी अटैक, यूनानी आक्रमण होगा, यूनानी अटैक होगा। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आप देखेंगे चार विदेशी शक्तियां आई रहती हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए रहते हैं, हिंद यमन आए रहते हैं, उसके बाद में ये शक आए रहते हैं, फिर कुषाण आए रहते हैं, बीच में एक पार्थियन रहते हैं। शक और इनके बीच में, कुषाण के बीच में पार्थियन आए रहते हैं। पार्थियन मतलब कि यही ईरान से ही वो लोग रहते हैं। तो ईरानी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, ईरानी आक्रमण दारा प्रथम के नेतृत्व में। इनको डेरियस फर्स्ट भी बोला जाता है, डेरियस फर्स्ट के नेतृत्व में। कब हुआ था, 516 BC में, 516 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने भारत को जीत करके अपना कौन सा प्रांत बनाया था, 20वां प्रांत बनाया था, 20वां प्रांत बनाया था। किस क्षेत्र पे इन्होंने अटैक करके जीता था, पंजाब और सिंध का क्षेत्र इन्होंने जीता था, सिंध क्षेत्र जीता था। अब अगला मैटर है कि कैसे हमें पता चलता है कि इन्होंने इस एरिया को जीता था। तो इनके तीन अभिलेख हैं, तीन अभिलेख हैं, नक्श ए रुस्तम है, नक्श ए रुस्तम है, पर्सीपोलिस है, पर्सीपोलिस है, और बेहिस्तून है, बेहिस्तून है। नक्श ए रुस्तम, पर्सीपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख है। तो इन अभिलेखों से पता चलता है कि इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। इंडिया के बारे में इन्होंने बताया था कि ये काफी समृद्ध क्षेत्र है, समृद्ध क्षेत्र है, और इनका जितना भी पूरा एशियाई साम्राज्य से टैक्स कलेक्शन होता था, उसका 1/3 केवल जो है वो इंडिया के इस पंजाब और सिंध के क्षेत्र से होता था। तो चलिए एक सिग्निफिकेंट इनका जो है वो रहता है टाइम पीरियड, इंडिया के क्रोनोलॉजी में क्लियर होता है, भारत के इतिहास में एक हम लोग को इम्पॉर्टेंट कालक्रम मिल जाता है। इनके बाद फिर आते हैं इनके लड़के रहते हैं, उनका नाम जेरेक्सीस होता है, और जेरेक्सीस वही है, 300 मूवी आप लोग देखे होंगे हॉलीवुड की, तो उसमें जो जेरेक्सीस कैरेक्टर है वो इन्हीं के बेटे रहते हैं। तो उस युद्ध में आप देखेंगे भारत से भी सेना गई हुई रहती है। अब मैटर ये है कि ईरानी आक्रमण जो होता है इसका प्रभाव क्या रहता है, व्हाट वेयर द इंपैक्ट ऑफ द इरानियन अटैक ओवर इंडिया। बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। पहला तो आप कह सकते हैं कि भारत में एक नवीन लिपि का, एक नवीन लिपि, कौन सी वो लिपि है, खरोष्ठी लिपि, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, दाहिने से बाएं लिखा जाता था,
ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो था जिससे देवनागरी का विकास हुआ है वो बाएं से दाएं जैसे आज भी हम लोग लिखते हैं वैसे लिखा जाता था। सिंधु कालीन सभ्यता जो थी या हड़प्पा सभ्यता थी उस समय ब्रोस्टो फॉर्डन स्क्रिप्ट था। ब्रोस्टो फॉर्डन स्क्रिप्ट जो था वो राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। तो चलिए एक नवीन लिपि की शुरुआत होती है, उसका नाम क्या रहेगा? खरोष्ठी लिपि। नवीन मार्गों की स्थापना होगा। यूजुअली इंट्रैक्शन नहीं था, इंडिया का आउटर वर्ल्ड के साथ इंट्रैक्शन नहीं था। अब इसके साथ क्या होगा? एक नवीन जो रूट्स होते हैं इनके पीछे पीछे ट्रेडर्स भी आते हैं और व्यापार और वाणिज्य में भी समृद्धि आती जाती है। अगला अगर विशेषता कहें तो सम्राट अशोक का जो अभिलेख है, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उसको भी माना जाता है कि ये किससे प्रेरित हैं। वो दारा के जो अभिलेख अभी मैंने बताया नक्शे रुस्तम पर्सीपोलिस और बेहिस्तून से इंस्पायर्ड हैं। एक वीडियो मैंने आर्ट एंड कल्चर पे बनाया था, मौर्यन एज आर्किटेक्चर जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला, उसमें मैंने फोर पार्ट बताया था स्तंभ लेख के। ये एक एकास्मक पत्थर है, मोनोलिथिक स्टोन है। इस पत्थर पे ये इन्वर्टेड बेल शेप की आकृति है, उल्टी घंटाकार की आकृति है। तो इस उल्टी घंटाकार की आकृति को किससे माना जाता है कि इसको लिया गया है? इसे माना जाता है कि ये ईरानी जो शासक हैं दारा प्रथम के अभिलेख की नकल है। ठीक है, अब सम्राट अशोक के अभिलेख के अलावा अगर हम लोग देखें तो सम्राट अशोक का जो राजमहल है, रॉयल पैलेस है, इसको भी माना जाता है कि इसका भी जो डिज़ाइन है वो ईरानी शासकों की नकल किया गया है। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटी में खान पान, जो पहनावा इनका रहता है, मनोरंजन के जो साधन रहते हैं उसको भी ईरानी प्रभाव के रूप में देखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यूनानी आक्रमण जो होता है वो यूनानी आक्रमण किसके अधीन हुआ था और इनके क्या प्रभाव थे। तो यूनानी अटैक का आपको पता है कि सिकंदर महान के बारे में आप सारे लोग सुने हुए हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके अंडर में ये हुआ था। कब हुआ था ये पूछा गया है, 326 BC में हुआ था। कितने महीने तक सिकंदर इंडिया में रहे? लगभग 18 महीने तक, 18 महीने से कुछ ज़्यादा रहते हैं, और 325 BC में ये इंडिया से लौट करके चले जाते हैं। सिकंदर महान कहाँ के रहने वाले थे? पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि इतना महान योद्धा कहाँ से बिलोंग करता था। ये यूरोप में एक लोकेशन आता है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के शासक थे उनका नाम फिलिप था, और ये फिलिप के लड़के रहते हैं, कहा जाता है होनहार बिरवान के होत है चिकने पात। तो अलेक्जेंडर में भी सिकंदर में भी वही सारे गुण रहते हैं। पिता भी इनके असाधारण प्रतिभा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इनसे कहते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं कि आपको विश्व विजय के अभियान पे निकलना चाहिए। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया से निकलते हैं, ग्रीस के आसपास का लोकेशन है, आप मैप पे देख सकते हैं। मदर टेरेसा के बारे में आप सुने होंगे, अल्बानिया से बिलोंग करती थी, ये मैसिडोनिया के पास में ही ये कंट्री है। अलेक्जेंडर निकलते हैं, कोई जो है देश के अंदर राज्यों को जीतता है, इस पर्सन के बारे में देखिए कि कितने सारे देशों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है। टर्की को जीतते हैं, सीरिया को जीतते हैं, इराक को जीतते हैं, ईरान को जीतते हैं, देन आफ्टर बहुत सारे कबायली क्षेत्र रहते हैं सेंट्रल एशिया के आसपास के क्षेत्र में, उसको जीतते हैं। और उसको जीतते हुए ये हिंदू कुश पर्वतमाला जो है वहाँ से ये खैबर पास से होते हुए इंडिया में इंटर करते हैं। यहाँ के जो शासक रहते हैं आम्भी नाम रहता है, आम्भी एक कह सकते हैं बड़े शासकों में थे। अलेक्जेंडर को, सिकंदर को ऐसा अंदाजा था कि इनके द्वारा जो है एक रेजिस्टेंट जो है क्रिएट किया जाएगा, एक प्रतिरोध जो है प्रस्तुत किया जाएगा, परंतु आम्भी जो है वो सरेंडर कर देते हैं, वो आत्मसमर्पण कर देते हैं।
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद झेलम नदी रहता है, झेलम नदी के तट पर सिंधु सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती जो है, तो ये झेलम नदी के किनारे आते हैं। और झेलम नदी के तट पे इनका किसके किसके साथ आमना सामना होगा? झेलम के तट पर, झेलम तट पर इनका सामना पोरस से होगा, पोरस से होगा। अब पोरस एक छोटा शासक रहते हैं, किसी को, अलेक्जेंडर को भी अंदाजा नहीं रहता है कि हमसे इतना एक हैवी जो है रेजिस्टेंस जो है क्रिएट करेंगे या इस तरीके से लड़ेंगे। अल्टीमेटली दोनों पक्षों के बीच में युद्ध होता है, उसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत ज़्यादा लंबा क्लास को हम लोग नहीं खींच सकते हैं, तो चलिए झेलम नदी का तट पे, ये उफान पे नदी जो है उफान पे रहती हैं, पहाड़ी नदियाँ, आपको पता होगा कि जब बारिश होता है तो बहुत तेज से वो फ्लो करती हैं। तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के दोनों तटों पे थी और नदियां पहाड़ों में सकरी होती हैं, बहुत ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन ये लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि इस नदी का कहीं पे तो मुहाना होगा, कहीं पे जा करके ये नदी और ज़्यादा श्रिंक करेगी, और वो रात में वहाँ से जाते हैं, नदी को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके आते हैं और एक सडन अटैक इनके ऊपर किया जाता है। इस अटैक से पोरस की सेना जो है वो तैयार नहीं रहती है, काफ़ी वीरता से ये लोग लड़ते हैं, पोरस भी काफ़ी वीरता से लड़ते हैं, और युद्ध का जो आप कह सकते हैं बैलेंस होता है, संतुलन होता है, वो पोरस के फेवर में आना शुरू हो जाता है। बट अल्टीमेटली होता क्या है, क्यों पोरस के फेवर में आना शुरू हो जाता है, उसका रीजन होता है कि पोरस की सेना में हाथी थे और ये हाथियों की फौज जो है वो सिकंदर की सेना को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। क्यों? क्योंकि इतने विशालकाय जानवर का उन्होंने कभी देखा नहीं था। अल्टीमेटली होता क्या है कि बारिश होना शुरू होगा और बारिश होने के साथ ही हाथियों के जो पैर होते हैं वो गीली मिट्टी में फंसना शुरू होंगे, और यहीं से ये बैलेंस ऑफ वार जो है वो अलेक्जेंडर के फेवर में, सिकंदर के पक्ष में जाना शुरू करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, पोरस हार जाएंगे। पोरस के हारने के बाद फिर वो कहानी है, इनके राजदरबार में लाया जाता है और वहाँ पे इन लोगों में अपना कुछ आर्गुमेंट होता है, और देन आफ्टर सिकंदर जो रहते हैं वो पोरस की वीरता से प्रभावित होकर के इनका सारा जो राज्य है इनको लौटा देते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर बढ़ते हुए कहाँ पे आएंगे, व्यास नदी के तट पर आएंगे, और व्यास नदी के तट पर उस समय का जो जियोग्राफी था, सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत उसका अंतिम पड़ाव था, इंडिया वाज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ब्यास नदी के तट पे आते हैं और यहाँ पे आकर के इनकी सेना जो है वो विद्रोह कर देती है। विद्रोह के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जैसे कि अब इनका सामना किससे था, नंद शासकों से, नंद वंश के शासक धनानंद से था। धनानंद की जो आर्मी थी वो अलेक्जेंडर से, सिकंदर से बड़ी सेना उनके पास थी, 2 लाख की उनके पास इन्फेंट्री थी, पैदल सेना थी, 20,000 की उनके पास घुड़सवार सेना थी, और लगभग 4 से 6 हजार के आसपास में हाथियों की सेना थी। तो सिकंदर की सेना एक छोटे से शासक पोरस ने जिस वीरता के साथ इनसे लड़ा था, उनके दमखम को देख करके एक जो कहते हैं पैनिक हो जाना, वो हो गए थे। अब सामना तो सिकंदर से भी बड़ी सेना के साथ था। दूसरा, इंडियन का खुद जो सिकंदर के समय के इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि भारतीयों के सैनिकों के जो लड़ने का अपना स्टाइल हुआ करता था, वो अभी तक के अदर जो इनके द्वारा, सिकंदर के जो द्वारा हराए गए राजा थे उनसे डिफरेंट था। इनका जो आप कह सकते हैं कि शौर्य था, जो इनके अंदर एक लड़ने की युद्ध कौशल था, वो अभी तक बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए भी सेना जो है वो विद्रोह करती है। अगला, सेना का कुछ अपना व्यक्तिगत पहलू है। लगभग 10 साल से वो अलेक्जेंडर के साथ अनवरत युद्ध करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सेना थक चुकी थी, अब वो बहुत ज़्यादा युद्ध में नहीं वो होना चाहती है, इसलिए भी सेना विद्रोह करती है। सेना को अपने परिवार के लोगों का याद आता है, ये सब रामचरण शर्मा की एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, रीजन दिया गया है, परिवार से भी बिछड़े हुए इनको ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए भी ये जाना चाहते हैं, विद्रोह कर रहे हैं,
और अल्टीमेटली क्या होता है, सिकंदर जाते हैं, बहुत ही भावनात्मक रूप से वो अपनी सेना से अपील करेंगे कि सिकंदर कभी किसी के सामने हारा नहीं, ऐसा ना हो कि सिकंदर जो किसी से नहीं हारा वो अपनों से हार गया, मींस कि अपनी सेना के सामने ही वो उससे नतमस्तक हो गया। सेना कोई बात नहीं मानती है, सिकंदर बस कह रहते हैं कि मेरी लाइफ का अंतिम वार होगा, एक बार मुझे आप लोग सहायता दीजिए, लेकिन सेना टस से मस नहीं होती है और वो कहती है कि आपके साथ हम लोग चले थे तो कितने यूरोपियंस चले थे और आज कितने मुट्ठी भर यूरोपियंस बचे हुए हैं। तो यहाँ पे सिकंदर जो है वो डिमोरलाइज वो भी होते हैं और वो अपनी सेना के साथ लौटने का निर्णय लेते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि सिकंदर भारत पे अटैक लैंड रूट से किए थे और लौटे किस रूट से थे, वो अरेबियन सी से होते हुए, अरब के सागर से होते हुए सी रूट से गए हुए थे, जाकर के फाइनली बेबीलोनिया है, ये आज इराक में पड़ता है, वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। तो चलिए सिकंदर की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन यूनानी आक्रमण का प्रभाव भारत पे पड़ता है और वो प्रभाव भी एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि जैसे ईरानियों का प्रभाव रहता है वैसे उनका भी प्रभाव आएगा। पहले तो एक नवीन शासन प्रणाली का जो है भारत में सूत्रपात होगा, वंस अगेन जो है वो चार नए मार्गों की खोज जो है इनके बीच में होगा। देन आफ्टर जो है यूनान के साथ भारत के व्यापारिक, अभी ईरान के साथ जो है ट्रेड रिलेशन है, अब यूनान के साथ मतलब ग्रीक के साथ जो है वो ट्रेड रिलेशन होना शुरू होगा। ट्रेड रिलेशन के साथ साथ कल्चरल रिलेशन इनका अपना वो हो जाएगा, स्थापित होगा, सांस्कृतिक जो है संपर्क भी इनके बनने शुरू होंगे। सिकंदर के साथ ही सिकंदर जो है उसका भूगोल में, ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने भूगोल को एक नवीन आकार दिया। इनके साथ कई सारे इतिहासकार भी आप कह सकते हैं कि जिन्होंने क्रॉनिकल्स लिखा, इनके संस्मरणों को लिखा, तो भारत का साहित्यिक दृष्टिकोण जो है या भारत का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो ज़्यादा संपन्न होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों लोगों का अपना अपना प्रभाव देखा और विदेशी आक्रमणों का एक इंट्रोस्पेक्शन लिया गया। तो चलिए बच्चों फिर अगले क्लास में आते हैं और फिर एक किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।